टीवी टुडे बना एक बार फिर आवाम की आवाज। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सीवरेज ज्यादा जहरीले पानी से काश्त होने वाली सब्जियों को तल्फ कर दिया। खैरपुर टामेबाली में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, दूसरे को टांग टूट गई। पुलिस ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मियां चन्नू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गटर के खुले हुए मेन होल शहरियों के लिए मौत का कुआं बन गए। अहम सड़कों और अंदरूनी गलियों में मेन होल से ढक्कन टूट गए। ऑपोजिशन के 16 अक्टूबर को होने वाले एहतजाजी जलसे को रोकने के लिए हुकूमती इकदाम शुरू। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करने के लिए कंटेनर पकड़ लिए गए। नौशहर और फिरोज के छोटे बड़े शहरों में सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। शहरी महंगे दामों सब्जी खरीदने पर मजबूर। रेट लिस्ट रद्दी का टुकड़ा बन गई। इंतजामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम। खैरपुर में एक ही रात में डकैती की 3 वारदातें। डाकू लाखों रुपए नकदी, जेवरात, मोबाइल फोन और दीगर सामान लेकर रफू चक्कर। पुलिस अमनो अमान की सूरत हाल पर कंट्रोल करने में नाकाम। और सिंध के जजायर पर वफाकी तामीरात के खिलाफ सिंध भर में तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से हड़ताल। कारकुनों ने तमाम कारोबारी मराकज बंद कर दिए। मुजाहिरीन का वफाक कब्जे तक एहतजाज का ऐलान।